इसलिए कि आज का ये यशस्वी मौला अब्बास का सिर्फ एक दिन होता है और आपके साल भर होता है। 365 दिन आप हजरात यहाँ आके इस जोड़ी पर माथा रगड़ते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पाते हैं, मुरादें मांगते हैं, बराती हैं। और जब भी कोई वक्त पड़ता है, कोई मुसीबत पड़ती है, तो मौला अब्बास की जोड़ी की जंजीर आप लोग खटखटाते हैं, मौला अब्बास आपकी मुसीबतों और मसाइल को हल करते हैं। लिहाजा आज एक शब उनके नाम है, तो आप हजरात से गुजारिश है कि महफिल के आखिर तक तशरीफ़ रखें और आज मासूम आलमियान से मौला अब्बास का वास्ता देकर इस खुशी के मौके पर मुरादें मांगने की शब है। ये इससे बेहतर और कोई मौका मेरे ख्याल में हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह शोरा इकराम से भी गुजारिश है कि बराए करम जहाँ कहीं हो डाइस पर तशरीफ ले आएँ, मकामी और बैरूनी तमाम शोरा इकराम से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आएँ। तो देखिए सोने का ताज जनाब जज़्बा इस्लाम के ज़रिए मुबारक पर रखा जा रहा है। या अली अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले सल्लम। आइए आप हजरात इधर तशरीफ़ ले आइए ताकि थोड़ा महफिल का माहौल, बाद में चाहे आप बाहर जाके बैठ जाइएगा लेकिन फिलहाल आ जाइए। जनाब अली असगर इस्लाम का ताज रखा गया और आप हजरात ज़ियारत करेंगे, तो इस मौके पर मौला अब्बास की बारगाह में मैं जनाब अली असगर इस्लाम के ही एक उनके हवाले से एक कतास कर रहा हूँ ताकि इस महफिल का आगाज़ जनाब अली असगर इस्लाम के जिक्र से हो जाए। मौलाना फरमाए अर्ज कर रहा हूँ कि यह और बात वो कमसिन था, नाम असगर था, ये और बात वो कमसिन था, नाम असगर था। देखिए महफिल शुरू हो चुकी है, आप लोग फ़िलहाल अब नारे रोक दें ताकि महफिल शुरू हो जाए और आप ताज रख दें और जो लोग वहाँ से फारिग हो जाए वो फर्श महफिल पर तशरीफ ले आएँ। महफिल का आगाज़ हो चुका है कि ये और बात वो कमसिन था, नाम असगर था, ये और बात वो कमसिन था, नाम असगर था, मगर जिहाद में शेर खुदा का हमसर था। ये और बात वो कमसिन था, नाम असगर था, मगर जिहाद में शेर खुदा का हमसर था, और उलट के रख दिए खामोशियों से दोनों जहां, वो बेजबान था लेकिन खतीब अकबर था। उलट के रख दिए खामोशियों से दोनों जहां, ये और बात वो कमसिन था, नाम असगर था, मगर जिहाद में शेर खुदा का हमसर था। उलट के रख दिए खामोशियों से दोनों जहां, वो बेजबान था लेकिन खतीब अकबर था। उलट के रख दिए खामोशियों से दोनों जहां, वो बेजबान था लेकिन खतीब अकबर था। आज़ाद मौलाना मीर समदेली साहब जो इस वक्त ज़ियारत करबला के सफ़र पर हैं, वो इस महफिल में खराज अकीदत पेश करते हैं, लिहाजा उनको शामिल करने के लिए उनका एक कता जो हर साल मैं आगाज़ में पढ़ता हूँ, मौलाना फरमा लें कि यह इज़्ज़त और रिफ़त कोई जीजाह ना देगा, ये इज्जत और रिफत कोई जीजा ना देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह ना देगा, ये इज्जत और रिफत कोई जीजा ना देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह ना देगा, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह ना देगा, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह ना देगा, खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह ना देगा। हम फरमाएं कि जो आईना है हक के नबी के शबाब का, आ जाइए अंदर आ जाइए, एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले, जो हजरात पीछे खड़े हुए थोड़ी सी जगह कर दें, मस्तूरात जो पीछे बैठी हुई हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो और पीछे हो जाएं और ताकि मतलब कुछ महफिल का माहौल बन सके, यहाँ लोग बैठ नहीं पा रहे हैं
जो मसूरात पीछे उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो और पीछे हो जाए ताकि तमाम हजरात को जगह मिल सके। तबारा मुलादा फरमाए कि जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के शबाब का। जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के शबाब का। वो अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूँ सूरज पलट रहा है अली के शबाब का। अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूँ अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूँ सूरज पलट रहा है अली के शबाब का, सूरज पलट रहा है अली के शबाब का। आइए हसब दस्तूर कमसिन मद्दाह अहले बैत से इस महफिल का आगाज़ करते हैं। ख़तीब अहले बैत आली जनाब रज़ा अब्बास साहब के चश्मों शराब कमसिन मद्दाह अहले बैत मोहसिन अब्बास सलमों से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़।